ओम शांति। नाम बिके संयुक्ता। सेवास्थान डेलांग। ज्ञान प्राप्ति 1998 मसीहा अगस्त 15 तारीख। पिलाटी दिन रु सन्यासी हेबार बहुत आग्रह थिला। मोर लौकिक जन्म पुरी जिले रे। छोट बेलु जगन्नाथ प्रति बहुत भल पाइबा थिला। तांको विषय रे जानिबा, तांकर भजन सुनिबा, तांकु भल पाई जो भक्त माने निज जीवन को तांक पई उत्सर्गीकृत करिछन्ति से भक्त मानक विषय रे जानिबार बहुत आग्रह थिला। तेणु से भक्त मानकर जीवन कहानी मध्यम पढ़ुथिली। जेहेतु पुरी जिल्ला रे जन्म, तेणु पुरी को बहुत साधु संत महात्मा माने आसन्ति। सेमानक सहित मिसिबार बहुत सुजोग मिलुथिला। सेमानकु दूररु देखि तांक भली हेबार बहुत इच्छा थिला। तेणु मो जीवन रे मु जने माताक संस्पर्श रे आसीथिली। तांकर कथाबार्ता व्यवहार लोकमानकर तांक प्रति भल पाइबा स्नेह श्रद्धा देखि मोर इच्छा होतला तांक परि हेबा पाई। एंति समय गति करि चालिला। धीरे धीरे मोर परिवार रे समस्ते आध्यात्मिक मार्गर थिले। तेणु आध्यात्मिकता प्रति बहुत आग्रह थिला। हठात दिने मोर जने स्कूल टीचर खबर देले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को जीवा पाई। निजकु जीवा पाई मने मने प्रस्तुत कली एवं से ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे कौन करा जाउछि, सेठिकी गले मते कौन करिबाकु पड़िबो से विषय रे जानिबाकु चेष्टा कली। आम पाखरु जो भाई भोनी माने सेठिकु जाउथिले सेमानक सहित प्रथमे जोगाजोग करी तांकठु सुनिबाकु पाइली जे ईश्वरीय विश्वविद्यालय को जिबाकु हेले तो कौनसी धनर आवश्यकता नाही, तेणु जेकोसी समय रे तमे जाई पारिबो, किंतु सेठी साप्ताहिक कोर्स करिबाकु पड़िबो। कहले साप्ताहिक कोर्स कले तो सात दिन समय देबाकु पड़िबो, तो एबे तो पाठ पढ़ा चलीछि सात दिन रा समय देबा संभव नुहे। तेणु मु मोर लौकिक पिता को आश्रम को जीवा पाई प्रोत्साहित कली। तांकु प्रथमे आश्रम पठेली। से जने आध्यात्मिक मार्गर थिले, तेणु तांकु भी आश्रम जीवन आश्रम रो ज्ञान बहुत भल लागिला। से आम ग्राम रे गोटे गीता पाठशाला खोलिबा पाई भाई भोनी मानकु डकेले। आम ग्राम रे गोटे गीता पाठशाला खोलिला। जो गीता पाठशाला रे आमे सपरिवार समस्ते एका साथी रे साप्ताहिक कोर्स कलु। कोर्स करिबा दिन ठारु आम परिवार रे खाद्य पानीय रो संपूर्ण शुद्धता आमे आनिथिलु। साप्ताहिक कोर्स सरला परे मु अनुभव कली मु शरीर नुहे, मु एक चैतन्य शक्ति आत्मा। आत्मा अजर अमर अविनाशी। आत्मा ए शरीर रूपी वस्त्र धारण करी ए सृष्टि रंगमंच रे अभिनय करुछि। अभिनय सरीगले ता रास्ता रे से चली जीवो, आउ कोठी अभिनय करिबा पाए। तुमे संसार को आसीबा बेले ना स्थूल रे से किछि नेकि आसीथिला, ना किछि साथी रे नेकि जीवो। किंतु जो पुण्य कर्म से करिबो, जो पाप कर्म से करिबो, से कर्मर फल को से साथीरे नेकि जीवो। तेणु मने मने भाबिली जदि आत्मा पुण्यर फल को साथीरे नेकि जीवो, तेणु मते पुण्य कर्म करिबा दरकार। सेतेबे आश्रम रे समर्पित होई समर्पित जीवन जापन करिबी। सेबे ठारु ईश्वरीय मार्ग रे आजि पर्यंत मु बाबांक उपरे संपूर्ण रूपे समर्पित होई बाबांक सेवारे जीवन को उत्सर्गीकृत करिछि। परमात्मा को चिन्हि परमात्मा को श्रीमत रे चलिबा पई तांको पाखरे प्रतिज्ञा करिछि। 100% तांकर श्रीमत को मानिगिरी चलिबा को चेष्टा भी करुछि। एभली भाबरे मु बाबांको घरे समर्पित होई सेवा दउछि। एबे मु
डेलांग सेवा स्थान रे सेवारत अछि। धीरे धीरे बाबांकर सेवा बढ़िला, सेवा स्थान भी प्रस्तुत हला, बाबांकर गोटे सुंदर भवन भी सेठी बनिला। बाबा मोर संकल्प को पूर्ण कले, एबे राजयोगी जीवन रे तो आम जाणीचे बहुत बाधा विघ्न झड़ झंझा आसीबो, किंतु जदि आम सब भगवान को सामनारे रखी चलिबा तले ए सब बाधा विघ्न झड़ झंझा दूरे जीवो। आम जाणीचे परिस्थिति होची परर स्थिति, से किछि समय पई आमको हलचल करिबा पे आसे। जदि आम निजुकु परमात्मा को ऊपर समर्पित करी मजबूत बनेबा तले परिस्थिति ऑटोमेटिक ता रास्ता रे चली जीवो, वो आमे आम कार्य रे आगो को माड़ी चलिबा। तो जीवन रे तो आहुरी बहुत अनुभव अछि। जेतेबेले बाबा को नॉलेज रे आसिलु तो माया कौन आमे जानी नथिलु। आमे समस्त भाबू संसार सम्बधी धन सम्पत्ति होची माया, तरा प्रकृत माया को आमे चिन्ही नथिलु। बाबा ज्ञान रे आसिला परे आमे जानिलु जे ए पांच विकार होची प्रकृत माया। आजिर संसार प्रत्येक मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वशीभूत होई निजकु जाळिबा सहित अन्य मानकु मध्य जाळुचंती, निजे दुखी हेबा सहित अन्य मानकु मध्य दुखी करचंती। तनो बाबा ज्ञान रे आसला परे जतले माया को आमे चिन्हिलु, माया को निज ठारु दूरेबा पई चेष्टा कलु, तनो गोटे जिनस को जतले आमे छाडिबा पई चेष्टा करूचे से आम पाखर सहज रे जाएनी, से आमको आहुरी डिस्टर्ब करे। तेणु सेमती ब्रह्मा कुमारी जीवन रे माया बहुत परीक्षा नबाकु आसीछि। गोटे सुंदर अनुभव, जणे भोणी को मो आश्रम को छाड़ी थिली। से भोणी जे आश्रम रे रहिबा परे आम सहित कौनसी प्रकार जोगाजोग नकरी आमे जो स्थान रे छाड़ीथिलु सेठारो अलगा स्थान को चली गले। तेणु आम सहित कौन सी प्रकार जोगाजोग रखिलेनि कि जणैलेनि मु कोठ कि जाउछि। तांकर लौकिक परिवार लोक माने तो मो पाकु आसिले कि तमे जेहेतु ए एरिया रे सेवा दोउछ, तेणु तमे ही जानिथिबो आम झियो कोठि अछि, तेणु आमको जेमिति भी हो तांकर खबर आणिकि दियो, नचेत आम हाथ में जहा हम आम ताबू। बड़ विचलित तो गली, तो कमती तार खबर देवी, सी तो कौटे रोचे मत जना ही ना। तेणु तो बाबा को मने मने आसी कहली, बाबा जदि आपण से भी विषय कौन सी खबर देवेनी कि यार कौन सी समाधान रास्ता बाहर न करे, तले मु आपणक उपरे समर्पित होई आपणक घरे सेवा दोउची, तले एटा तो केवल मोर निंदा हबनी, सेमान तो केवल मते ही गाळी देबेनी, तो इनडायरेक्ट आपणकर मध्य निंदा हबो, आपणकु मध्य अपमान हबो, तणे आपण मते किछि रास्ता बतांतु, किंबा से भोणीर खबर मते जेमिति हेले आपण ही दियंतु, मु आउ कहाकु जाकि पचारिबी। आश्चर्यर कथा, ता परदिन सकाळु जो भोणी दुई वर्ष काळ आमको फोन भी करूनथिले, आम सहित कोनोसी जोगाजोग भी रखिनथिले, से हठात मते फोन कले। जेतेबेले से मते फोन कले, मु कहली मते फोन करिबा किछि आवश्यक नाही, तुम्हें तुम घर लोक प्रथम फोन करी जना तुम्हें कौटी अछ। देख तो भगवान केते कल्याणकारी, पिला मानंकर से केबे भी निंदा हवा को देबे नाही। माया आसीबो, किंतु आमे जदि बाबा हाथ छाड़ी दबा
ताले माया आमको निजर करि नै जीवो किन जदि बाबा को आमे सेई समय रे जोरी मने पकेबा सब किछि बाबा को ऊपर छाड़ी देबा निज को निमित भाबीबा जे मु आत्मा बाबांकर सेवा पे निमित बनिछि करेला बाला होचंती स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा जोधप गायन अच्छी करी कराउ थाउ तुही तोबिनु अन्य गति नहीं किंतु आम को केवल से निमित भाव को धारण करी आग को चलिबक पड़िबो जहाद्वारा आम जीवन रो प्रति मुहूर्त रे आमे आग को जाउछे बोली अनुभव करी परिबा एबे जति भगवान को चिन्हि कि जान कि तांको मने न पकेबा तलाव केबे भी आमे भगवान करो सानिध्य पाई परिवानी तांको सहित संबंध जोड़ी परिवानी ये कलियुगर अंतिम समय आसिकी पहुँचिछि तेणु सबू भाई भोनी मानुकु मोर अनुरोध समस्ते प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आसंतु ईश्वरीय विश्वविद्यालय शिक्षा को निज जीवन रे धारण करी सुख शांति आनंद खुशी रे निज जीवन को अतिवाहित करंतु एबे नुहे तो केबे नुहे एबे जदि भगवान को चिन्हिबानी तले केबे भी आमे भगवान को द्वारा स्थापना करा जाउथबा स्वर्ग दुनिया को जाई परिबा नाही कि स्वर्ग दुनिया रे से स्वर्ग सुख को आमे अनुभव करि परिबा नाही। ओम शांति।